एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज हीट। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हीट क्या होती है, हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। इसके अलावा हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं, मीन्स जो थर्मोमीटर्स यूज होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। जैसे कि जो हीट होती है उसमें हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ पर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ना। तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी हीट होती है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। देखो, ये इसका एक सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हीट का, वो क्या रहता है कि हीट हमेशा जो फ्लो करती है, जो ट्रांसफ़र होती है, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अगर इसका छोटा सा एक एग्जांपल हम ले लें तो आपका जो घर होते हैं, घर में किचन में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे सॉस पैन होते हैं, नॉर्मल पैन ले लो आप, ठीक है। तो उन पैन में क्या होता है, जब आप उसको फ्लेम पर रखते हैं तो फ्लेम क्या हो गया, एक हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया, और इनिशियली जो सॉस पैन होता है वो कैसा ठंडा होता है, तो वो एक कोल्डर ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्लेम से हीट किधर ट्रांसफ़र हो रही है, पैन में ट्रांसफर हो रही है। अगर आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो जो वो पैन होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका होता है ना। तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो कोल्डर, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है, मतलब जो फ्लेम है, उससे जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है, जो पैन है, उसकी तरफ हीट ट्रांसफर हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लेम होता है उसको हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जो हमारा पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है पूरी तरीके से, थोड़ी देर के बाद में वो पैन ठंडा हो जाएगा। अब जो पैन के अंदर जो हीट थी वो कहाँ गई, वो हीट ऑब्वियसली हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर होता है, जो पैन के आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रांसफ़र हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो पैन है वो क्या हो गया, हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट हो गया। अब वही वाला फिनोमेना फिर से यूज होगा, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो जो गर्म पैन है, हॉटर ऑब्जेक्ट है, वहां से हीट किधर ट्रांसफर हो गई, कोल्डर ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इस तरीके से हम जो हमारे घर के ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं उससे हम लोग ये चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक्टिविटी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें आप लोगों ने देखी होगी कि मान लो एक छोटा सा मैंने क्लैंप ले लिया, ठीक है, क्लैंप ले लो। अगर घर में क्लैंप नहीं है, आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है क्लैंप, तो उस केस में आप दो ब्रिक ले सकते हो, ब्रिक के बीच में से भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। मान लो ये हमारा क्लैंप है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, ये क्लैंप में मैंने एक आयरन की रॉड लगा लिया। आप आयरन ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हो। ये हो गई मेरी आयरन की रॉड। अब मैं क्या करूंगी, इस आयरन की रॉड में मैं नीचे की साइड, मतलब एक जो इसका सिरा है, इसका जो साइड है, तो इधर मैंने एक कैंडल रख दी, ठीक है। अब मैं इस कैंडल से क्या करूंगी, जब ये कैंडल जलेगी तो कहां पर ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम इस तक, इस पॉइंट तक जाएगा, इस साइड तक जाएगा। और इसमें हमें एक और चीज करनी है, वो क्या करना है कि ये जो हमारी आयरन की रॉड है ना, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हमें वैक्स जो होता है, जिसको मोम बोलते हैं, ठीक है, वो लगा देना है, ठीक है। वैक्स जब हम लगा देंगे फिर हम देखेंगे कि जो वैक्स है थोड़ी देर के बाद में मेल्ट होकर के नीचे गिरने लगता है। तो उसकी एक ये रहता है कि वो जो मेल्ट हो रहा है वो कहाँ कहाँ, सबसे पहले कौन से पॉइंट में पर मेल्ट होकर के नीचे गिरता है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पहले तो हमारा ये वाला, इधर वाला जो हमारा ये वैक्स है, ये नीचे गिरेगा, फिर ये वाला गिरेगा, फिर इधर वाला गिरेगा, और फिर इसके बाद में सबसे जो कॉर्नर वाला है, साइड वाला है, वो गिरेगा। मतलब डायरेक्शन कहाँ रहेगी, जो फ्लेम है फ्लेम से दूसरी साइड की डायरेक्शन रहेगी। अब इस वाली जो हमारी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी हमारा मेटल हो गया या तो फिर कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो हमेशा
कोल्ड सॉरी हॉटर एंड से कोल्डर एंड में ट्रांसफर होगी। यहाँ पर हॉटर एंड कौन सा है? हॉटर एंड हमें साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि जिधर फ्लेम है वो सबसे ज्यादा हॉटर एंड होगा, तो ये वाला एंड हमारा हॉटर एंड हो गया। कोल्डर एंड कौन सा हो गया? सबसे ठंडा हमारा जो एंड होगा वो ये वाला एंड होगा, ठीक है। तो हीट जो ट्रांसफर हो रही है पहले इधर से दिस ये डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोग कि पहले इधर वाला जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, फिर हीट थोड़ी आगे ट्रांसफर हुई तो ये वाला वैक्स मेल्ट हो गया, फिर और ट्रांसफर हुई तो ये वाला वैक्स नीचे मेल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हीट हमेशा जो ट्रांसफर होगी वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इसमें एक हमारा पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। मतलब कि जो हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो ये एक मेटल का हो गया, ये हॉटर है ये कोल्डर, और हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगी? हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफर होगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल से एक बार दोबारा में बताती हूँ, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात है, समझ में आ गया कि हीट ट्रांसफर होगी, और ट्रांसफर कहाँ से होगी? हॉटर एंड से कोल्डर एंड में ट्रांसफर होगी कोई भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने ये तो बोल दिया भाई कि उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, लेकिन क्या जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, जो भी हम देख सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होंगे, क्या सब में ऐसे ही इतनी ही इजीली हीट ट्रांसफर हो जाएगी? तो ऐसा इसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक और एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको, उसमें आपको एक कोई भी एक यूटेंसिल ले लो, कोई भी ऐसा कोई बीकर ले लो या फ्लास्क ले लो, जो भी आपको मिलता है, तो उसमें क्या करना है, गर्म पानी रखना है। मतलब 3/4 जो भी आपका पार्ट है उसमें आपको गर्म पानी एकदम रखना है, गर्म होना चाहिए बिल्कुल। और इसमें आपको अलग अलग जो भी आपके घर में जो आपको सामान दिख रहा है छोटा छोटा, वो आप उसमें डाल दें। जैसे कि आप क्या डाल दो, पेंसिल डाल दो। पेंसिल किससे बनी होती है? वुड से बनी होती है। प्लास्टिक की कोई आपको जैसे स्ट्रॉ वगैरह होती है वो डाल दो, तो उससे क्या होगा, वो भी उसमें डाल दी। इसके अलावा कोई आयरन की बड़ी सी, जैसे कि बड़ी सी कोई नेल है जो कि उसका एक सिरा पानी में डूबा रहे और एक सिरा पानी के बाहर रहे, कुछ ऐसी चीजें डालनी है जो कि एक आधा सिरा उसका पानी में रहना चाहिए और कुछ पार्ट उसका पानी के बाहर रहना चाहिए, ठीक है। कुछ देर हम उसमें उसको रखेंगे, 2 से 3 मिनट, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ऐसी चीजें हैं जो भी हमने डाली है, मान लो कुछ मेटल की चीजें हो गई, एल्यूमिनियम की हो गई, आयरन की हो गई, प्लास्टिक की हो गई, वुड की हो गई, ऐसी कोई भी बहुत बड़ी बड़ी सी चीजें ऐसी डालनी है जिसमें कम से कम उसका थोड़ा पार्ट पानी से बाहर रहना चाहिए और कुछ पार्ट उसका पानी में होना चाहिए। अब जब थोड़ी देर के बाद में जब हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो हम जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आएगा? जब आप उन ऑब्जेक्ट को टच करोगे ना, तो कोई ऑब्जेक्ट तो ऊपर से गर्म हो चुके होंगे। मान लो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी आयरन की नेल डाल दी थी, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप ऊपर से इसको पकड़ोगे ना, तो ये गर्म हो चुकी होगी ड्यू टू दिस हॉट वाटर, इस हॉट वाटर की वजह से। मान लो कोई लकड़ी आपने डाल दी है, लकड़ी को स्टिक वगैरह डाल दी है, जब आप उसको ऊपर से पकड़ोगे तो वो गर्म नहीं होगी। प्लास्टिक डाल दी है तब भी आप उसको पकड़ोगे ऊपर से, वो भी गर्म नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका वही एक किचन की तरफ चलते हैं, उसमें एक अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे कि आपके घरों में जो सॉस पैन होते हैं वो नॉर्मली वो उसमें जो हैंडल होता है या तो फिर वो प्लास्टिक से बनता है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, या तो फिर किससे बनता है, वो वुड से बनता है। तो पैन तो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता। वो क्यों नहीं गर्म होता है, उसमें हीट क्यों नहीं ट्रांसफर होती है? तो उसका एक रीजन ये होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मटेरियल्स जरूरी नहीं है कि हीट के एक अच्छे कंडक्टर हों, ठीक है। उनमें हर किसी में जरूरी नहीं है कि कंडक्शन हो,
किसी में कंडक्शन होता है और किसी में कंडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे जो भी मटेरियल्स होंगे, यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, जस्ट लाइक मेटल जितने भी होते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे जितने भी मेटल्स होंगे ये अलाउ करते हैं हीट को अपने थ्रू पास होने में। तो ऐसे जो भी मेटल्स होंगे या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हीट को पास करेंगे इजीली, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे जो भी मटेरियल्स होंगे जो कि या ऑब्जेक्ट होंगे जो कि अपने थ्रू हीट को पास या तो फिर करते नहीं है या तो फिर करने इतना इजीली नहीं करते, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि वुड हो गया, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि हैंडल नॉर्मली वुड वगैरह से क्यों लगाए जाते हैं या प्लास्टिक से क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और जो वुड होता है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, इसकी वजह से वो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देता और वो चीज़ हमें गर्म नहीं लगती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स। हमें ये तो पता चल गया कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि जो हमारा वाटर होता है और जो हमारी एयर होती है, ये दोनों ही हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब दोनों ही जब ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं है तो उस केस में हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होगी, क्योंकि भाई अच्छे कंडक्टर होंगे तभी तो हीट अच्छे से ट्रांसफ़र होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। बट यहाँ पे तो कंडक्टर्स ही अच्छे नहीं है, मतलब ना एयर अच्छी है ना तो वाटर अच्छा कंडक्टर है, तो हम इस केस में कैसे हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे हमारी हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक आपके एनसीईआरटी की बुक में है एक्टिविटी, उससे हम लोग ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पर हमने फ्लास्क लिया है, ठीक है। फ्लास्क में हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा इसमें वाटर ले लिया है, वाटर लेने के बाद में ये एक ट्राइपॉड ले लिया है, ट्राइपॉड में हमने क्या किया है, नीचे हमने फ्लेम इसको इसमें एडजस्ट कर लिया है फ्लेम को। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो हम एक मिनट, ठीक है, हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें ऐड कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करने से क्या होगा ना, हमें जो वाटर है वाटर के अंदर जो भी हलचल हो रही है वो आसानी से नजर आ जाएगी, ठीक है। तो अब वाटर इसमें कैसे हीट को ट्रांसफर करेगा, जबकि यहाँ पर वाटर तो अच्छा कंडक्टर ही है ही नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही हम फ्लेम को जलाएंगे तो ये जो वाटर है ये गर्म होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। गर्म होना स्टार्ट हो गया थोड़ी देर में क्या होगा कि जो हमारा जो साइड वाला जो वाटर है ना ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा और नीचे का वाटर गर्म होगा, और जैसे ही वाटर गर्म होता है ना ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। हॉट वाटर किधर मूव करेगा, ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब ऊपर की साइड ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, बाकी जो साइड में ठंडा वाटर रह गया या फिर जो ऊपर की साइड से जो ठंडा वाटर है वो किधर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है कि नीचे जो पानी गर्म हो गया वो ऊपर जाएगा और ऊपर जो पानी ठंडा है वो नीचे आ जाएगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये पूरा का पूरा जो वाटर है वो गर्म नहीं हो जाए, मतलब हीट सब जगह ट्रांसफर नहीं हो जाए। तो देखो इसमें क्या हुआ, नॉर्मली वैसे क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सटेंस ही ट्रांसफर हो रहा है ना, कि ऊपर वाला जो वाटर है वो नीचे आ रहा है और नीचे वाला जो वाटर है वो ऊपर जा रहा है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, बट उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर जो सब्सटेंस है वो ही ट्रांसफर होकर के नीचे आ रहा है और नीचे वाला जो हॉट हो गया है वो ऊपर जा रहा है। तो जो वाटर होता है वाटर में हीट इस तरीके से ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होगा, वही चीज के पानी जैसे ही गर्म पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो ठंडा पानी होता है
वो उसकी प्लेस ले लेता है जो कि गर्म पानी ऊपर मूव करके गया है। अब एयर में क्या होता है, एयर में भी सेम यही रहेगा। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है जहां पर एयर जो सॉरी जो वाटर होता है, वाटर गर्म वाटर ऊपर चला गया और बाकी जो ऊपर जिससे जो ठंडा पानी है वो नीचे आ गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने भी कंडक्शन पढ़ लिया, इंसुलेशन जो भी हमारा कंडक्टर्स हो गए इंसुलेटर्स हो गए उनके बारे में पढ़ा था, बट कन्वेक्शन भी एक टर्म होता है। कन्वेक्शन में वही होगा कि हॉटर सब्सटेंस विल मूव अपवर्ड एंड जो कोल्डर सब्सटेंस है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द फ्लेम, जहां पर गर्म हो रहा है जहां पर हीट मिल रही है उसकी तरफ ट्रांसफर होगा कोल्डर सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि ये तो हमें समझ में आ गया कि जो गर्म पानी है जो वाटर है वाटर में हीट किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हीट किस तरीके से वाटर को गर्म कर रही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है। बट एयर में क्या होगा, एयर में भी कन्वेक्शन ही होता है, एयर में भी सेम यही चीज होती है कि जो हॉट एयर है वो कोल्ड एयर की तरफ मूव करेगी और जो कोल्डर एयर है वो हॉटर एयर का जो खाली प्लेस रह गया था उसकी जगह पर आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, एक उसके लिए हमें छोटा सा वहां पर भी एक्टिविटी हम लोग करके देख सकते हैं। वहां पर हमें क्या करना है कि एक नॉर्मल छोटी सी कैंडल लेनी है। ठीक है, हमें कैंडल को रखना है, मान लो ये मेरी कैंडल है, मैं इसको सीधा रखूंगी, एक हाथ में ऊपर रखूंगी और एक हाथ में साइड में रखूंगी। अभी देखो मैं तो नहीं रख सकती, आप लोग लेकिन इस चीज को समझना। ठीक है, एक हाथ मैंने ऊपर रखा और एक हाथ मैंने साइड में रखा। अब मैं मुझे कौन सा वाला जो हैंड है वो ज्यादा हीट को फील करेगा, आप लोग अगर ये एक्टिविटी करके देखो तो आपको ये चीज फील होगी कि जो ऊपर वाला हैंड है वो ज्यादा मुझे उसमें ज्यादा हीट फील हो रही है एज कम्पेयर टू जो साइड वाला है उसमें मुझे हीट फील नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। उसका क्या रीजन है, उसका भी सेम यही रीजन है कि जो वाटर में क्या होता है, गर्म पानी अपवर्ड मूव करता है, जो गर्म वाटर है जिसमें हीट है वो अपवर्ड मूव करेगा। सेम एयर में भी यही होता है, जो हॉट एयर होती है वो किधर मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है और उसका प्लेस जो कोल्डर एयर है वो नीचे जा करके ले लेती है। कोल्डर एयर किधर जाएगी, डाउनवर्ड्स जाएगी। तो अब इसी वजह से जो मेरा ऊपर वाला हैंड है ना, तो वो जो नीचे से गर्म एयर आ रही है ऊपर की तरफ, इसीलिए ऊपर वाला हैंड मेरा फील कर रहा है इस चीज को, जो हॉटनेस है उसको। लेकिन साइड वाला, वो साइड में तो एयर नहीं जाती है, ऊपर की तरफ ही मूव करती, तो इसलिए साइड वाला जो मेरा हैंड है उसमें मुझे हीट फील नहीं होगी। ठीक है, ये सेम जो जो कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको ये चीज फील होती है। वो लोग ज्यादातर अपना जो घर है या घर के जो विंडोज है वो सी साइड पे बनाते हैं, जहाँ पे वो सी फेस कर सके। उससे क्या है कि उनको एक अच्छी हवा मिलती है। उसमें क्या होता है, आप लोगों ने अगर छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा लैंड ब्रीज सी ब्रीज, तो वो सारी चीजें इसी फिनोमिना की वजह से होती हैं कि हमारी जो हॉट एयर है वो अपवर्ड मूव करती है और डाउनवर्ड कौन सी कोल्ड एयर मूव करती है, मतलब हॉटर एयर जो ऊपर चली गई तो खाली प्लेस बचा उसका प्लेस लेने के लिए कोल्डर एयर जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक बार जो सी ब्रीज है और लैंड ब्रीज है उसका जो फिनोमिना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जो लैंड ब्रीज होता है एंड जो सी ब्रीज होता है उसको हम इन दो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सी ब्रीज हो गया और लैंड ब्रीज हो गया वो डे और नाइट में किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले डे टाइम की बात करें तो दोपहर में क्या होता है, मतलब जो डे टाइम होता है, दोपहर की बात भी छोड़ दो, पूरा जो दिन हो गया हमारा, दिन के टाइम पे जो हमारी लैंड होती है ना वो ज्यादा गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू सी। जो हमारा सी होता है वो उसमें क्योंकि पानी है तो वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता, इतना जल्दी वो उसमें हीट नहीं आती है, बट जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। अब ऑब्वियसली जो लैंड होगा वो गर्म हो गया तो लैंड के ऊपर वाला जो भी एयर होगा वो भी जल्दी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ का जो भी एयर है वो गर्म हो गया तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा कि कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अभी मैंने जैसे कि बताया था कि जो हॉट एयर है वो किधर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। अब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये वाला जो प्लेस है ये कैसा हो गया, खाली हो गया। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए जो हमारी सी होगी, सी की साइड से जो ठंडी एयर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके सर्कल बन गया, ये ऊपर गया
और ये इस साइड को फिल करता रहेगा, ये ऊपर जाएगा और ये इस साइड को फिल करता रहेगा, ठीक है। तो ब्रीज मतलब जो हवा आ रही है वो किस साइड से आ रही है, सी की साइड से आ रही है डे टाइम में, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सी ब्रीज। जो नाइट टाइम होता है हमारा, नाइट टाइम में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे होता है कि जो रात का समय होगा उसमें क्या होगा कि जो लैंड होगी, अब जितनी जल्दी वो गर्म हो गई ना उतनी जल्दी वो ठंडी भी जल्दी होती है, तो जो हमारी लैंड होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू सी। सी में जो वाटर है वो उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा जितना कि लैंड ठंडी हो जाएगी। अब लैंड का जो एयर है वो ठंडा हो गया, बट इसका अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो गर्म कहाँ पर एयर ज्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी, ये तो ठंडा एरिया हो गया इसकी कंपेयर में। तो यहाँ पे जो हॉट एयर है वो किधर चली जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी। अब यहाँ वाला जो एरिया है वो खाली हो गया, तो ब्रीज जो हवा है वो किधर साइड आएगी, एयर इस साइड मूव करेगी क्योंकि इसको खाली प्लेस को फिल करना है। तो लैंड से ब्रीज आ रही है सी की तरफ, तो दैट इज व्हाई हम लोग जो नाइट टाइम है इसको वहां पर लैंड ब्रीज बोलते हैं, ये रहता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्वेश्चंस वैसे बहुत आ रहे हैं ना इस चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर तो चलो मीडियम वाली बात हो गई थी कि मान लो मीडियम अगर वाटर है या एयर है तो वहां पर कन्वेक्शन होगा, है ना, और अगर कोई कोई भी अगर सब्सटेंस है जिसके एक साइड से दूसरे साइड, हॉटर साइड से कोल्डर साइड में हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो हो गया हमारा कंडक्शन। तो ऐसे भी कुछ चीजें हैं, ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जहां पर दो सब्सटेंस के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है, बट बीच में ना तो एयर है ना वाटर है ना तो कोई दूसरा मीडियम है, तो बिना मीडियम के हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है। जस्ट लाइक सबसे अच्छे एग्जांपल इसका है अर्थ और सन, सन से हीट हमारी अर्थ तक आती है, बट आप सबको पता होगा कि स्पेस में तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो फिर बिना मीडियम के किस तरीके से आते। तो ये जो पूरा फिनोमेना होता है जिसमें विदाउट एनी मीडियम अगर हीट ट्रांसफर होती है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेडिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में हमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो भी ऐसी बॉडीज होती हैं जो जिसमें से हीट ट्रांसफर होती है ये नॉर्मली हर कहीं होता है, जैसे कि आपने रूम हीटर्स देखे होंगे, तो जो रूम हीटर होते हैं आप उनके पास बैठे होते हो तो क्या आप तक हीट ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप तक जो है ना अगर वहाँ पर एयर नहीं भी है तब भी आप तक वो हीट ट्रांसफर कर देगा, उसमें भी रेडिएशन ही होता है। आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है ये भी हीट को बाहर रेडिएट करती है, ठीक है, और इसके अलावा जो सन होता है सन से जो हीट आ रही है हमारे पास हमारे अर्थ तक उसमें भी क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। तो नॉर्मली हर जो बॉडी होती है जिसमें जो भी हॉटर बॉडी है तो वो हीट बाहर ट्रांसफर करती है थ्रू रेडिएशन। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ये चीज आती है कि हीट जो ट्रांसफर हो रही है अगर एयर और वाटर नहीं है तब भी हीट ट्रांसफर होगी थ्रू रेडिएशन उसमें, क्योंकि रेडिएशन में कभी भी हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, विच इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। देखो ऐसा है कि समर और विंटर में हम एक जैसे तो कपड़े पहनते नहीं है, है ना, ऑब्वियसली जो हमारा विंटर टाइम होता है उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं, आपको जो वूलन होते हैं थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं, और कलर की बात करें तो डार्क कलर्स पहनना प्रेफर करते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट ले लें, जो समर का टाइम होता है समर टाइम में हम लोग लाइट कलर जो कपड़े होते हैं और जो बहुत हल्के कपड़े होते हैं वो पहनना प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर दो कोई भी यूटेंसिल ले लिए, कोई भी बर्तन ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक को हमने पूरा ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये कैसा कर दिया, बाहर से मैंने पूरा ब्लैक कलर कर दिया इसके ऊपर, और दूसरा मैंने जो क्या कर दिया इसके ऊपर व्हाइट कलर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वाटर को फिल कर रही हूँ, वाटर को फिल करने के बाद में डायरेक्ट सनलाइट जो है मेरी उसमें मैंने इसको रख दिया, ठीक है। सनलाइट में रखने के बाद जब मैं थोड़े टाइम के बाद कुछ घंटों के बाद मान लो एक घंटा या दो घंटे के बाद में मैं इसको चेक करूंगी, तो मैं जो टेम्परेचर इसका अगर हम मैं चेक करती हूँ, लेट सपोज मैंने पहले जो इसका टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री, कितना
40 डिग्री मैंने मेजर किया। उसके बाद में जब मैंने कुछ टाइम इसको रखा, कुछ टाइम रखने के बाद में जब मैं इसको मेजर करूंगी तो ये जो ब्लैक वाला मेरा बर्तन है, जो ये यूटेंसिल है, इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो ज्यादा गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाइट। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम बताते हैं, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट करके देखते हैं। मान लो कुछ टाइम के बाद, जो 2 घंटे के बाद में, ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। या तो फिर मान लो कि मैंने दोनों को 60 डिग्री पर अब ले लिया, ठीक है, तो ये वाला वाटर और ये वाला वाटर मैंने 60 डिग्री पर ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कुछ टाइम के बाद में मैं अंदर कमरे में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। दोनों को मैंने 60 डिग्री पर पहले गर्म किया और मैं उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। रखने के बाद में मैं वही करती हूँ जो मैंने किया, 2-3 घंटे के बाद में मैं चेक करती हूँ दोनों का टेम्परेचर। तब भी दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं निकलेगा। पहले क्या होगा, ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और ये कम ठंडा होगा, ठीक है। मान लो अगर इसका जो टेम्परेचर है वो गिरा, वो कितना हो गया, 50 हो गया, तो ये तो 55 या फिर 56 लगभग, इतना मतलब कम ही ठंडा होगा और ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ब्लैक। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है कि जो ब्लैक कलर होता है या तो फिर जो ये जो ऐसे डार्क कलर्स होते हैं ना, ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इनका जो रिफ्लेक्शन होता है हीट का वो कम होता है। मतलब अगर यहाँ पर जो हीट पड़ रही है ना, तो वो ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, और जो व्हाइट कलर होगा या जो हल्के कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कम करते हैं। इसी का ही यही एक रीजन होता है कि यहाँ पर पानी ज्यादा गर्म हो गया जब सब लाइट में रख रहे हैं, क्योंकि इसने हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पर पानी कम गर्म हुआ क्यों इसने जो हीट है उसको कम एब्जॉर्ब किया। इसका ऑपोजिट जो अभी हमने देखा था कि मान लो सेम टेम्परेचर है लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसको ठंडे एरिया में रखें तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये कम क्यों, जब हम रिफ्लेक्ट कर होता है ना, जो रिफ्लेक्शन होता है वो इसमें ज्यादा जल्दी होता है जो कि हल्के कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो इसमें हीट आएगी वो जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बट इसमें से हीट जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसलिए ये पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये पानी लेट ठंडा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट कलर होते हैं, लाइट कलर में रिफ्लेक्शन जल्दी होता है, तो इसलिए मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, अगर सनलाइट इस पे पड़ रही है तो ये जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक रेडिएशन का ही पार्ट होता है कि जो भी जिस भी बॉडी पर रेडिएशन पड़ रहा है, जरूरी नहीं कि सारा का सारा रेडिएशन उस बॉडी पे पड़े, कुछ तो क्या होगा, कुछ पार्ट तो रेडिएट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है कि इसीलिए हम लोग गर्मियों में हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर हीट पड़ती है उसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं जो हमारे ऊपर कपड़े होते हैं वो। और अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि बहुत डार्क कलर्स के होंगे, डार्क कलर्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, इसीलिए हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है अगर हम उसको समर टाइम में पहन लेते हैं, जो भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो घर होते हैं, घरों में हम लोग हीटर वगैरह सब कुछ लगा करके रखते हैं, या फिर बहुत सारी जो सिगड़ी वगैरह होती है वो जला कर रखते हैं सर्दियों के टाइम में। तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है इसके लिए जो हम हीट अब्सॉर्ब कर सके, हम अपने घरों को भी ऐसे पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो बाहर की जो वॉल होती है ना, उस पर अगर ब्लैक कलर करवा दोगे तो वो जल्दी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेंगे और आपका जो घर है वो कैसा रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा एज कम्पेयर टू अदर हाउस, जो भी बाकी के जो हाउस है जिसमें ब्लैक कलर नहीं है। और अगर हम व्हाइट कलर करवाते हैं, हल्के कलर करवाते हैं, तो वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू अदर हाउस जिसमें जो लाइट कलर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई इसमें कि हम विंटर्स और समर में लाइट और डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक है वो ये खत्म हो रहा है, चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मिलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के साथ में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।